आप फोन आते रहेगा उसका। देखिए होगा क्या ना कि आपका तो एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ठीक है, रुपी रिडीस है आपका, तो इसमें यही यही होगा कि एप्लीकेशन आप इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, उसको। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अभी रखे हैं कि मतलब कि हाँ, तो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। बाकी देखिए जो भी कॉल मैसेज आएगा तो आपके मेन नंबर पर आएगा, ठीक है, कॉल मैसेज करेंगे, बाकी कांटेक्ट लिस्ट पर कोई भी कॉल मैसेज कुछ भी ऐसा वैसा जाएगा नहीं, ठीक है, कांटेक्ट लिस्ट का टेंशन खत्म हो। एड्रेस पर ना पहुंचेगा वो ना लोग ना अब नहीं पहुंचेगा ऐसे, मतलब कि आप कहाँ का रहने वाले हैं? बिहार से। हम लोग बिहार अच्छा बिहार से? नहीं है, नहीं आएगा। बिहार में कहाँ से? दरभंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब चीज खत्म हो गया, कोई डरने वाली कुछ भी बात नहीं, ठीक है। कितना दिन से ड्यूज था आपका? उसका पूरे महीना 1 महीना हो गया, 14-15 दिन। दूसरा ड्यूज 13 से स्टार्ट होगा। बोले आप इतना चीज चेक कर देते हैं वो क्या था। हाँ, तो सिविल तो डाउन होगा ना आपका? सिविल तो डाउन हो ही रहा होगा। सिविल डाउन हो गया है, अच्छा, कितना था पहले, अब कितना हो गया आपका सिविल? 725 था, 655 भी आ गया। अच्छा, नहीं तो सिविल आपका डाउन होगा, ठीक है। सिविल तो कुछ दिन बाद जो मेन नंबर है, मेन नंबर पर भी कॉल मैसेज करना बंद कर देगा, बाकी कोई टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर ही कॉल नहीं जाएगा, यही कीजिएगा कि एप्लीकेशन आप इंस्टॉल मत कीजिएगा। मान लीजिए जब रिपेमेंट, देखिए वो सब इन्फॉर्म करता है ना, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देगा कि आपका इतना ड्यूज है, इतना ड्यूज बढ़ गया है, इंस्टॉल करने की जरूरत ही क्या है। हाँ ये चीज है, तो बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब। कर दिए तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। डाटा रिमूव करने के बाद नहीं ना पहुंच पाता। ना ना, वो सब टेंशन खत्म हो गया आपका, डाटा रिमूव हो गया बिल्कुल तो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक। दोस्तों, इनका एनबीएफसी एप्लीकेशन से था लोन, उसी के बारे में बात विचार यहाँ पर हुआ, मतलब कैसे आप कैसे डाटा रिव्यूज, मतलब कि बस इग्नोर करो भाई, इग्नोर करो यहाँ पर। और तो एनबीएफसी एप्लीकेशन का आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, सिविल पर असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन का आप लोग नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल जो है आपका डाउन होगा, वही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा, सब आपको डराएगा, धमकाएगा, ये सब सारा चीज मतलब कि करता है सब। चलिए कॉल लगाते हैं यहाँ पर, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, आधा अधूरा कोई भी वीडियो देखिएगा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको आधा अधूरा कोई भी वीडियो नहीं देखना है। देखना है तो भाई पूरा कंप्लीट तक वीडियो को वॉच कीजिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन का हम यही बोलना चाहते हैं, आप लोग रिपेमेंट मत कीजिएगा, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो बहुत बड़ा गलती आप लोग कर दीजिएगा। फ्रॉड एप्लीकेशन का होता क्या है कि रिपेमेंट करने पर और ज़्यादा ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, और ज़्यादा ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल जो भी है सारा चीज़ ये लोग करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कभी भी नहीं करना होता है। ये चीज कीजिए कि वही लोग मतलब कर रहा है, तो डरने वाली तो कोई बात ऐसे वैसा है नहीं, जितना आप लोग डरिएगा उतना आपको ये सब सारा चीज करेगा, तो इसीलिए आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। यही रखिएगा कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का कैसे ना कैसे रिपेमेंट आप लोग मत कीजिए, रिपेमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा भूल होती है, रिपेमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा ये होती है, इसीलिए रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, रिपेमेंट आपको कभी भी करना ही नहीं है फ्रॉड एप्लीकेशन का। होता क्या है, जो लोग रिपेमेंट कर देते हैं तो वो लोग सोचता है ना कि भाई ये व्यक्ति डर चुका है, डर के मारे पैसा दे दिया, तो और ज्यादा ये लोग ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ गए, ऐसा वर्क करता है फ्रॉड एप्लीकेशन। तो इसीलिए फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है, नहीं का मतलब आपको फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है, करते हैं रिपेमेंट तो आपकी ही गलती है भाई, वो बार बार आपके अकाउंट में पैसा उतना डाल देगा, बार बार आपसे पैसा मांगेगा, बोलेगा कि भाई दो पैसा, इतना दो उतना दो, तो इसमें किसका गलती हुआ? हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए भाई बताइए। अरे सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने इंस्टा मनी से लोन लिया था, ठीक है, तो उसकी जो ईएमआई अभी बाउंस हो चुकी है, और मैंने एक बार 300 पे किया था, एक बार 100 पे किया था, और आज सुबह 1000 पे किया था। फिर भी मैसेज आ रहा है कि होम विजिट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे।
तो मतलब कि कितना दिन हो गया आपका ये इंस्टा मनी से लोन लिए हुए? जून में ई एम आई थी और एक अभी जुलाई में थी। यही के मतलब कि 3 महीना हुआ। हाँ हाँ, तो सिविल ऊपर पर डाउन हो रहा है? अब सिविल डाउन होना स्टार्ट हुआ है? हाँ हुआ है पूरा। पहले अच्छा, पहले कितना था आपका सिविल? कुछ 720 जैसे कुछ था, 50 केस डाउन हुआ है। नहीं तो ये लोग क्या होगा क्या ना कि आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर डाउन होगा। ठीक है, आपका डायरेक्टली सिविल पर मतलब क्या असर ये लोग डालता है नहीं रिपेमेंट करने पर। वही है कि आप रिपेमेंट कर दीजिएगा तो आपका सिविल है अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, ये सब सारा चीज होता है। और ये भी होता है कि आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल लगाना स्टार्ट कर देता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल लगाकर बोलेगा कि ये व्यक्ति लोन लिए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, बोलिए रिपेमेंट। आपका आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो, लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट, जो भी है, जो भी उनके पास डिटेल है, सब मतलब कि भेजने लगता है। सब ऐसा करता है लोग। अभी तो ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब कॉल आ रहा था तो मैंने टाइम मांगा था कि मेरे पास अभी नहीं है, बाद में कर लूंगा ऐसे। तो हाँ, तो अभी बीच में पिछले महीने मैंने 300 किया था पे, फिर 140 किया था, और आज वो भी 1,000 पे कर दिया था। अभी 7,000 ऐसा कुछ दिखा रहा है बाकी। नहीं तो ये लोग ऐसा ही वर्क करता है। कोई भी देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन में भी क्या है कि लोग रिपेमेंट कर दे। मान लीजिए आपका एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ठीक है, अब ये लोग फ्रॉड ही एप्लीकेशन जैसा मतलब कि करता है सब। देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन भी है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेता है, लोन देने से पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेगा और नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करेगा। और सेम ये लोग का भी यही हाल है कि हाँ नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करेगा, हैक को सब करके रखता है। यही चीज मतलब की खासियत है एनबीएफसी एप्लीकेशन। दोनों यही दोनों मंत्र है ना कि फ्रॉड एप्लीकेशन क्या है कि न्यूड फोटो बनाकर भेजेगा, गाली गलौज करेगा, बाकी ये लोग ऐसा नहीं करता है, केवल यही कहता है ये लोन लिए हैं, मतलब कि आपको मतलब कि बोलता है सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर। हाँ बाकी तो होम विजिट ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते ना। ना उसका तो डर नहीं है, उसका देखिए यही है कि हम लोग ये चीज करवाते हैं, समझ गए। डाटा रिमूवल का आपको पता है कि ये सब करवाते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल और नहीं जाता है, वो सब सारा चीज हो जाने के बाद कुछ भी टेंशन वनसन नहीं रहती है सारा चीज। वो चीज है, बाकी तो कोई ऐसा लीगल उगल का कोई डर नहीं है। ये नहीं कि लीगल एक्शन ले लेगा, ये उसका कोई डर नहीं है भाई। ये चीज है। मतलब अभी तो क्या कि मैंने मतलब टाइम मांगा था, वो वैसे भी कह भी रहे कि बाद में पे करना ऐसे, मतलब जब कॉल आता तो ऐसा नहीं कहते कि मतलब कि पूरा पे करो, ठीक है, मतलब कि जितना हो सके उतना पे करो, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए बोलिए उनसे कि ड्यू रोज कम कर दे तो भाई हम पे कर देंगे, है कि नहीं। एप्लीकेशन में ड्यूज कम होता है तो ये लोग का, देखिए एनबीएफसी एप्लीकेशन का ड्यूज भी बहुत हाई होता है ना, ये रोज क्या लगाता है 100 रुपया, 150, 200, हाँ ड्यूज भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसी में लोग आदमी ये हो जाता है कि भाई कैसे रिपेमेंट करें, एक दिन भी लेट हो गया तो ड्यूज मार दुनिया बहुत ज्यादा हो जाता है पैसा इस लोग में। हाँ लेकिन सर इसमें मतलब कुछ ज्यादा चार्ज तो नहीं लगा मुझे, जैसे कि 3,700 की कुछ ईएमआई थी, ठीक है, तो उसका रिपेमेंट नहीं किया तो उसका हो गया था 4,000 कुछ, 2,500 समथिंग हुआ था। फिर ये दूसरी ईएमआई जो बाउंस हुई ना, वो दोनों दोनों मिला के 8,000 हुआ, मतलब 7,200 या 7,300 के तो मेरे ईएमआई बन गए। हाँ हाँ, तो यही है कि लो कंपनी के हिसाब से होता है ना। आपका इंस्टा बनी है, एम पॉकेट में चार्ज ज्यादा लगता है, मोबीक्विक में लगता है, रिंग उंग में लगता है, तो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई कौन कंपनी कैसे चार्ज लगा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, यही चीज है। बाकी धमकी उमकी तो सब देवे करता है, सब धमकी उमकी देता है, डराता है, धमकाता है, ये सब तो ये लोग का आम बात है करना। हाँ सर वो तो पता है, क्योंकि एक बार क्या है कि मैं किस एप्लीकेशन जो आती है ना उसमें फंस गया था, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब कि कॉल आते थे, फोटो भेजते हैं, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे ऐसे। फिर उसका तो मैंने क्या किया कि टेलीग्राम डाउनलोड करके ट्रूकॉलर, उसमें जो अनकाउंट नंबर आते हैं ना वो सारे बंद कर दिए थे, तो अब वो तो बंद हो गया सारा।
नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यही है कि लीगल उगल कुछ होगा नहीं, सिविल का डर है, यही सब सारा चीज, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं वो तो। हाँ, बाकी ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल यही सब सारा चीज कर सकता है, और क्या ही कर सकता है। हाँ, जो भी था आपको बता दिए, ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक है बैठे, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गई, इनको भी बोल दिए, कॉल लगाते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जब तक पूरा आप लोग वॉच नहीं कीजिएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला। आधा अधूरा वीडियो मत देखा कीजिए, शुरू से ही बोलते हैं, देखिए तो पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा कीजिए, इसीलिए आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये होता क्या है ना कि आधा अधूरा लोग वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हेलो बोलिए भाई। जी सर, बोलिए। हाँ हाँ भाई बताइए। हाँ सर, वो मेरा करीबन 7-8 महीना हो गया है क्रेडिट विषय, तो उनका फोन को आ रहे हैं। तो मतलब कि कितना का आपका लोन था ये सब? और मेरा था 22,000। अच्छा, 22,000 का आपका लोन था, 22,000। बढ़ाकर अभी कितना कर दिया होगा? अभी टोटल 24,000 दिखा रहा है। 24। तो पर डे का ये लोग ड्यूज लगा रहा है कि मंथली? ये सब ड्यूज लगा रहा है, सब सर मंथली लगा रहे हैं। मंथली लगा रहा है सब। किसी किसी का क्या है कि पर डे का ये लोग ड्यूज लगाता है 150, 50 रुपया, 150, 100, मतलब कैसे? तो चलिए आपका अच्छा है कि मतलब कि मंथली लगा रहा है, नहीं तो किसी का पर ड्यू लगाता है ना, तो अभी 24,000 नहीं रहता, उसका डबल हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता पैसा। जी सर। ये तो यही है कि नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल ये लोग करता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा, उस पर भेजेगा आपका पैन कार्ड का फोटो, आधार का फोटो, लोन का डॉक्यूमेंट भेजेगा, लोन आईडी, यही सब भेज भेज कर बोलेगा कि ये पैसा नहीं चुका रहे हैं, इनको बोलिए पैसा देने के लिए, नहीं तो लीगल कार्रवाई होगी इन पर, ऐसा ऐसा मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर कर बोलता है सब। जी सर, वो रिकवरी एजेंट घर पर आ सकते हैं। वो घर पर आने का वो है कि लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, समझ गए? सब चीज लोकेशन जैसे मैं वाइज तो डिपेंड। सर अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अच्छा, तो देखिए अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, उस हिसाब से सारा चीज लोग होता है, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि लोकेशन पर। हाँ, गांव का लोकेशन है सर। तो गांव का लोकेशन है तो डर और नहीं है उतना, ठीक है, डर नहीं है उतना। लेकिन नहीं है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट का आदमी का डर रहता है इंसानों को, कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कहीं कौन ना कर दे, है कि नहीं? कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देगा तो इज्जत का ये हो जाता है, धर्जिया उड़ जाती है कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल जाने के बाद। हाँ, इसीलिए सर आपको कॉल किया, आपके वीडियोस देखे तो सोचा सर को एक बार सर से कुछ सजेशन मांग लेते क्या है क्या नहीं। तो करीबन उसका मैंने वो इससे पहले जो सितंबर था ना 2023 तब लिया था, तो ये अभी दूसरी बार सितंबर आएगा, अभी मतलब जुलाई चल रहा है, 10 मंथ हो गया। तो पहले मैंने एक EMI भरा था, उसके बाद आधा आधा एक EMI भरा था बस, उसके बाद थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से बन नहीं पाए। तो फिर उनका वो मैसेज आता है कि भाई हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आ रहे वो है ये है। जैसे उनके फोन कॉल भी बहुत आ रहे हैं, जो क्योंकि वो तो मैं फोन कॉल तो मैं उनके रिसीव नहीं करता हूँ सर। जो आपका वीडियो देखा, जैसे कि फोन कॉल रिसीव करेंगे तो टेंशन ज्यादा हो सकता है। वही है कि फोन कॉल रिसीव कीजिएगा तो धमकी उमकी देगा कि एक चीज वो चीज है, और आदमी इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डरते हैं कि नहीं डरते हैं। यदि मान लीजिए फोन कॉल उठा रहे हैं, बार बार आपको डरा रहा है, धमका रहा है, उसी में आप डर रहे हैं, तो और ज्यादा आपको डराएगा और समझेगा कि डर गए हैं। और जैसे ही डरिएगा तो और ज्यादा आपको ये सब करने लगेगा, और ज्यादा फोन कॉल करने लगेगा, नहीं डरिएगा तो कोई अब हमारा ही है कि 2023 15 जनवरी 2023 को हमने भी क्रेडिट भी किस्त एप्लीकेशन, रिंग एप्लीकेशन, जितना भी NBFC एप्लीकेशन था उस टाइम, अभी तो कितना नया नया एप्लीकेशन आ रहा है क्या, तो उस टाइम में जो भी था NBFC एप्लीकेशन सबसे हमने लोन लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो
तो खूब 8-9 महीना फोन किया सब मेरे पर, अक्टूबर नवंबर तक किया, उसके बाद कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। समझ गया कि भाई अब ये डरने वाला नहीं है, अब इसके पास फोन कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज है, समझ गए, ये चीज भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डरिएगा उतना आपको डराएगा सब। लेकिन नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे अगर कोई बंदे ने लोन लिया है 24 इयर्स 25 इयर्स, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जैसे कि लोन ले लिया लेकिन घर पे पता नहीं रहता है, तो बंदे को एक की दिक्कत मन में सताएगी कि अगर एजेंट घर पे आ गया, घर पे किसी को पता नहीं है, एजेंट आएगा घर पे प्रॉब्लम होगी, आजू बाजू में फैमिली प्रॉब्लम होगी, सबकी वजह से सर एक टेंशन जैसा रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे अपने। हाँ, इसी का डर लगता है कि घर उर पर ना आ जाए, ये सब ना कर दे, है कि नहीं, बाकी तो और क्या ही मतलब ये चीज है। हाँ, तो मैं आपसे वही विषय है, मेरे साथ आपसे वही प्रश्न क्वेश्चन कर रहा था कि मैं तो जैसे कि अहमदाबाद के छोटे गांव में रहता हूँ, तब अहमदाबाद के लोकेशन में तो इनका कोई ऐसा ब्रांच है कि ये आ सकते नहीं आ सकते, वो जानना था ना। ऐसा वैसा कोई मतलब कि ये चीज नहीं है, डर नहीं है, लोग आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर ये लोग कॉल करता है, समझ गए, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर ये लोग कॉल कर कर मतलब धमकी देता है, तो हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव कराने का काम करते हैं। ये कैसे होगा सर, कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव कैसे कर सकते हैं? आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट वही कंपनी से डायरेक्ट मतलब कि हम लोग रिमूव कराते हैं, ठीक है। तो आप नंबर हम आपको देंगे, नंबर दिए हैं आपको अपना? कौन सा? व्हाट्सएप वाला तो नंबर नहीं है आपके पास, तो वही है कि आपको हम नंबर देंगे, उसी नंबर पर आप लोन अमाउंट का स्क्रीन शॉट, लोन अमाउंट का स्क्रीन शॉट, लोन आईडी होगा तो भी भेज दीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो ये चीज भेज दीजिएगा, हम पूछ कर बताएंगे कितना क्या खर्चा बैठेगा, ज्यादा नहीं लगता है। तो वही है कि आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसमें होगा क्या करेगा सब ना, कि कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका जो रियल कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, हाँ, तो आपका रियल कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो उसी में फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि डाल देगा सब, ये चीज है, समझ गए, आपका रियल कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट डाल देगा सब, वही मतलब कि हो जाएगा आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये चीज। तो आप पर हम भेज देते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम भेज दिए, उसी पर भेज दीजिएगा, ठीक है, आपका आपका हम 100% कॉन्टेक्ट लिस्ट हम रिमूव आपका करवा देंगे, बाकी रिकवरी एजेंट का डर और कुछ है नहीं, बाकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर है कि भाई कॉल कर कर बता ना दे, ये ना कर दे, हाँ ये चीज है, तो इसी पर भेज दीजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, लोन अमाउंट का स्क्रीन शॉट भी। हेलो, बोल रहे थे किसी पर आप भेज दीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट भी, रजिस्टर मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल नंबर भी, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है ठीक है, भेज दीजिएगा, ठीक है ठीक है, मैं आपको 6-7 बजे अनुराग भाई, मैं आपको 6-7 बजे भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक ठीक, क्योंकि अभी सर मैं जॉब पर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो उसी टाइम में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है ठीक है, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया है, बोल दिया है, पर क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर कैसे इसमें चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ हाँ, I have taken a loan from Cash Expand and I couldn't pay back because application is not in a Google store, right? They have removed. So what to do? Do you know anything? I mean, what can I do for myself? अब देखिए क्या है कि हम लोग डाटा हम लोग रिमूव करवाते हैं, ठीक है? How to remove the data? Contact list, gallery, call logs. Okay. तो ये उनके पास रहती है डेटा, मोबाइल का जो भी परमिशन है उनके पास रहती है,
तो हम लोग 1 आवर में, विद इन 1 आवर में हम लोग रिमूव करा देते हैं। ओके, हाउ टू रिमूव ऑल द एप्स एप्लीकेशन, राइट? बिल्कुल 100% सर्वर से उनका रिमूव करने का काम किया जाता है। कैन यू मैसेज दोस डिटेल्स इन व्हाट्सएप के टाइप करो। तो आपको पैन कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, आपका 100% हम लोग रिमूव करा देंगे। ओके ओके ब्रो, ओके ओके। चलिए दोस्तों, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड मतलब कि जो भी है मोबाइल नंबर। चलिए कॉल लगाते हैं, चलिए कॉल। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए भाई बताइए। अरे यार क्या होता, रिमूव नहीं हुआ कुछ, सवाल आ रहा है इस तरीके का। कौन सा एप्लीकेशन था आपका? अरे वो 8 एप्लीकेशन थे, आपने बोला था मेरे को कोड एनालाइजर का। हाँ 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 हाँ, उनका अभी भी मेरे को मैसेज आ रहा है। कितना मतलब को तो दिन हो गया ना, कितना दिन हुआ? फोटो वायरल कर देंगे, फोटो वायरल कर देंगे। अभी कितना दिन हुआ कम से? एक हफ्ता हो गया उसको। तो 8 एप्लीकेशन का पर स्क्रीनशॉट, हां आप पर 8 एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट हम भेजे थे। हेलो, हां मेरे को डाला था, आपने कोई प्रूफ नहीं भेजा मेरे को। 8 एप्लीकेशन, हां उसका तो है, लेकिन ये चीज है कि मतलब आपने पेमेंट कर दिया था 8 एप्लीकेशन का ना? उस टाइम खाली 3,000 का पेमेंट बाकी था। हाँ हाँ, मैंने आपको पेमेंट बाद में करता हूँ बोल था आपको। हाँ 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 हाँ, तो वही है, उन पर हम स्क्रीनशॉट भेजे थे ना, तो उसमें से कुछ एप्लीकेशन रिमूव किया होगा कुछ नहीं किया होगा। तो ठीक है, आप आपका हम अभी मतलब उनसे बात कर हम पूछते हैं, ठीक है ना? मेन एप्लीकेशन से क्या हाल है? मेन एप्लीकेशन से, मेन एप्लीकेशन से नहीं आ रहा है, लेकिन वो हाँ, तो खाली तरीका में। हाँ तो मेन एप्लीकेशन से आपका रिमूव हो गया है, उसी वही करता है सब, समझ गए? अब देखिए क्या है ना कि हाँ हाँ बोल देता है सब, जितना आप पेमेंट किए ना पर एप्लीकेशन के हिसाब से, जितना आप पेमेंट किए तो उतना ही एप्लीकेशन का हटा देगा, बाकी और छोड़ देगा, बोलेगा कि हाँ हो, समझ गए? यही रीजन है, तो वही हम पूछते हैं तो बोलता है कितना इतना का बाकी है, पेमेंट नहीं किया है तो इसीलिए हम नहीं किए, यही हुआ होगा, हम पूछ कर आपको बताते हैं। देखो एक बार आप तो बोले थे मेरे को कि मैं कर दूंगा सारा काम, आप बाद में मेरे को पेमेंट कर दो। नहीं हम, हाँ देखिए हम बोले थे, हाँ ये बात तो है, हम बोले थे, तो हम जो भी था उनसे पूछिए कर बोले थे, ठीक है? उनसे हम पूछ कर बोले थे कि आप बाद में कर दीजिएगा अभी, तो वही पेमेंट के हिसाब से मतलब कि कर दिया होगा सब। तो अच्छा पूछ कर हम आपको बताते हैं, मेन एप्लीकेशन से तो कोई दिक्कत नहीं ना है उससे, स्कोर वाला से? अब मेन एप्लीकेशन से नहीं है, लेकिन खाली वो उनका खाली मैसेज आ रहा है। मैं आपको बोला था क्या है मालूम है क्या, मेरा अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सब 5,000 भेजा था। तो हम आपको रिपोर्ट हम बताते हैं, ठीक है? अभी हम उनसे पूछ कर, ठीक है, जस्ट अभी हम आपको पूछ कर 10 मिनट में आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 10 मिनट में। तो एक बार आप मतलब कि एक बार आप पैन कार्ड भेज दीजिएगा, मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, तभी ना उनको पूछ कर हम बताएंगे। पैन कार्ड, मोबाइल नंबर भेज दीजिए एक बार अभी। हेलो, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अभी भेज दीजिए। हेलो, पैन कार्ड कहे, मोबाइल नंबर भेज दिए, पूछ कर बताएंगे उनसे। यार देखो मैं भेजता हूँ आपको, मोबाइल नंबर चलेगा क्या? पैन कार्ड फिलहाल मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है तो मोबाइल नंबर भेज दीजिए, उनको भेजेंगे तो उनके पास होगा तो बताएगा। कुछ ना कुछ भेजिए, पैन कार्ड भेजिए ना तो मोबाइल नंबर भेजिए, दोनों में से। कितना देर लगेगा लेकिन उसमें? 5 मिनट आपको बताते हैं, 5 मिनट में हम कॉल करते हैं आप पर, ठीक है? हेलो, 5 मिनट,
5 मिनट में बोलता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर पूरा देखिए, बिलिंग बात करते कॉल लगाते हैं, देखिए पूरा कंप्लीट है वीडियो, वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए आधा। हाँ भाई बोलिए, बताइए आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। हाँ हाँ बोलिए भाई बताइए। सर ये कह रहे थे ना, हाँ हाँ, कि थोड़ा हमें क्लियर बता दीजिए सर कि मतलब डेटा डिलीट हो गया है कि, देखिए पैसे वैसे की बात नहीं है, लेकिन चूंकि अगर डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा तो हम भर देने का लोन अपना भर दे, इंतजाम कर दें अपना। देखिए आपका जो भी था ना, जो भी हम बोले थे कि घर पर नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव हो गया आपका, लेकिन अप्लीकेशन में तो भाई शो होखबे करेगा, एनबीएफसी है ना आपका ना। बात क्या है ना कि हमने घर पे अपने सब कुछ बता दिया है, देखिए जो है। अच्छा तो मेरे पिताश्री ये कह रहे थे कि उन जिनसे जिनको तुमने पैसा दिया है 6,600 रुपए, उनको पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनसे सच सच पूछ लो कि अगर डेटा डिलीट हो गया है, अगर नहीं डिलीट हुआ है तो कोई बात नहीं सर, हम कुछ कहेंगे नहीं, मतलब कुछ हम कुछ कर भी नहीं सकते वो चीजें तुम्हारे यार, लेकिन हम पैसा भर दे तुम्हारा। अगर आप सही में डेटा डिलीट हो गया कि मतलब हम आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं सर, मतलब कोई ये नहीं है कि सर हम आपसे फिर से पैसा मांगे या वैसा। तो ये चीज बताइए कि आपके घर पर आया रिकवरी एजेंट? नहीं सर अभी टाइम हुआ नहीं है सर, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल गया? नहीं सर अभी ये अभी तो कुछ हुआ नहीं है सर। नहीं तो नहीं जाएगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल, नहीं घर पर आएगा। हम तो भाई उसी दिन आपको बोल दिए थे, अभी कितना दिन होता होगा आपसे बात किए हुए उस टाइम? तब चूंकि सर मेरे पिताश्री ये पूछ रहे हैं ना कि जैसे जिनको तुमने पैसा दिया उनसे पूछ लो, अगर सच में डिलीट हो गया तो हम लोग रहने दें, नहीं डिलीट हुआ है तो सर वो कुछ भी करके भरने के लिए तैयार है, मतलब। देखिए देखिए भाई आपको देखिए बता देते हैं, एनबीएफसी एप्लीकेशन में क्या है ना कि आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, ठीक है जी जी। उसमें आपका सिविल स्कोर डाउन होगा एनबीएफसी एप्लीकेशन में, यदि आप रिपेमेंट कर देते हैं तो सिविल स्कोर आपका मेंटेन करेगा। इसमें तो देखिए क्या है ना कि डाटा डेट का मतलब ये है कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव हो गया, घर पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन सिविल स्कोर पर तो आपका शो होखबे करेगा। हम तो उसी टाइम में बोले थे भाई, आपको बोले थे ना सिविल स्कोर में कोई फर्क नहीं है सर, मतलब दिक्कत ये है ना कि सर कॉन्टेक्ट लिस्ट और फोन नहीं जाएगा, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल मत कीजिएगा दोबारा, आपका हो गया है। अब ये नहीं कि बीच में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा भाई, हम तो बोल पे किए थे इंस्टॉल नहीं किए हैं तो नहीं जाएगा भाई, 100% नहीं जाएगा, बोल दीजिए घर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ना भरें फिर सर? ना मत भरिए, अब यही है, आपको अभी बता दिए कि नहीं भरिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा आपका। अब मेन नंबर पर कॉल आएगा भाई, मेन नंबर पर कॉल आएगा सर, मेन नंबर पे कॉल आएगा सर, वो हम जानते हैं सर। हाँ तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मत भरिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन ये चीज नहीं है, पुलिस वुलिस कुछ नहीं होगा, सब कोई कोर्ट केस नहीं, अनसिक्योर लोन है। ठीक है ना, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर भाई पैन कार्ड पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए यहाँ पर आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, देखिए तो भाई पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो, आधा अधूरा देखिए तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, आधा अधूरा कभी वीडियो मत देखिए, आधा अधूरा कुछ भी देखिएगा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वही वाला बात हो गया भाई। हाँ भाई बोलिए बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए बताइए। मतलब कभी कॉल उलाया किसी पर जी, मतलब कि कॉल किया कॉन्टेक्ट लिस्ट पर? कल तो नहीं किया एक बार भी। नहीं तो यही है कि आपका हो गया भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपसे नहीं किया। अब देखिए आपका नहीं हुआ रहता ना तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल, इतना आपको तो पता है फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कितना ये लोग कॉल करता है। मेन इन लोगों का पावर क्या है? कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है, आपका डाटा इनके पास यही पावर है। नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तब देखा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करने लगेगा, आप पर नहीं करेगा, आप पर उतना नहीं, तू तो जान ही रहेगा भाई, आप पर कॉल करेगा तो आप संभाल लेंगे। कॉन्टेक्ट
ब्लैकलिस्ट के बाद हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, मतलब जो मेरी फ्रेंड उसके व्हाट्सएप पे, हाँ, व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर रहा है। तो लेकिन देखिए ये है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट उन